हेलो गाइस, कैसे आप सब? और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, जो भी आज मनाता हो 15 तारीख को। किसी किसी ने तो 14 तारीख को भी मना लिया है। हमारे यहाँ पे आज हमने फेस्टिवल बनाया है, तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे खिचड़ी। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी और यमी खिचड़ी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल और 3 प्रकार की दाल। तुअर दाल नहीं लिया है, मूंग दाल लिया है, थोड़ी सी उड़द दाल लिया है और मसूर की दाल। और इसे हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद 10 मिनट के लिए भिगो के साइड में रख देंगे। उसके बाद हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, उसको अच्छे से कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, एक आलू लिया है, तो आलू को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद में इन्हें एक प्लेट में हम रख देते हैं, तो हम दूसरी सब्जियाँ कट करेंगे। और गाइस, आपके यहाँ पे क्या बना है मकर संक्रांति में, बताइएगा ज़रूर। किसी के यहाँ कुछ और बनाया जाता होगा। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ले लिया है, और ये यहाँ पर 1 ही टमाटर लिया है मैंने, देसी टमाटर, एकदम यमी यमी सर टमाटर, देखिए रेड रेड। और इसे भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, कट कर लेंगे। और कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, पर मैं कुछ बेसिक सी चीज़ों के साथ ही ये खिचड़ी बनाऊंगी। बहुत यमी और टेस्टी देसी अंदाज में ये खिचड़ी बनेगी। तो मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, ऑयल मेरा गरम हो चुका है। उसके बाद मैंने डाल दिया है 2 लौंग, 2 काली मिर्च, और इन्हें हम अच्छे से तड़कने देते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डाला है सरसों, सरसों के बिना तो हमारा खाना अधूरा है। और यहाँ पर डाल दिया है हरी मिर्च, और इन्हें अच्छे से हम तड़कने भड़कने देते हैं। उसके बाद में जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था कुचल के हमने, तो उसे भी हम डाल देते हैं। और इधर उसके बाद में ये सब हो गया है, फिर हम यहाँ पे जो आलू है उसे डाल देंगे। आलू को अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पर हम टमाटर भी ऐड करेंगे। इसे कैसे रहने देते हैं भाई? तो हम टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आ गया हमारा हरा हरा मटर, ठंडियों का सर्दियों का राजा। मटर हर सब्जियों में खाया जाता है, हर एक सब्जी में, हर एक दिन हम किसी भी चीज़ में इसे ऐड करके बना ही लेते हैं ठंड के टाइम पे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया बेसिक से कुछ मसाले। तो यहाँ पर डाल दिया लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, हरा हरा धनिया नहीं डाला है सॉरी, यहाँ पर धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना खिचड़ी के लिए, जो हमने सब्जी डाली थी उसका। और अब हमारे जो चावल हैं, दाल है, उसे भी हम ऐड कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और इसे ऐसे चलाते जाएंगे ताकि सारी सब्जियों में ये पूरा मिक्स हो जाए। और ये देखिए गाइस, अब हम इसे थोड़ी सी 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। और मेरे चैनल को गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रतीक्षा की रसोई एंड ब्लॉग को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है सबसे मेन इम्पोर्टेंट वाटर, पानी। इसे हम 4 से 5 ग्लास डालेंगे, आप कैसा रखना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 4.5 ग्लास पानी ऐड किया था गाइस। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, चुटकी भर गरम मसाला डाला है, बिल्कुल चुटकी भर, थोड़ा सा ही हमें स्वाद जो है गरम मसाला का देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया है ढक्कन, और हम इसकी लेते हैं 3 सीटियाँ, 2 से 3 सीटियाँ। अगर आपको ज़्यादा नहीं पकाना है तो आप 2 सीटी, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है तो 3 सीटी। और ये देखिए गाइस, मेरी 3 सीटियों के बाद कितनी अच्छी, ये देखिए बुलबुले बुलबुले उठ रहे हैं खिचड़ी में। इतनी यमी, इतनी टेस्टी खिचड़ी तैयार हुई थी, बहुत ही यमी लगी थी। आज हमारा दिन भर का यही खाना था। और ये देखिए, अब हम यहाँ पर डाल देंगे हरा हरा धनिया, गार्निश कर देते हरे हरे धनिए से। और हमारी भूख तो बढ़ती ही जा रही थी, तो
तो यहाँ पर हमने लगा लिया है हमारी थाली, और ये देखिए घी डाल दिया, अचार ले लिया, पापड़ ले लिया, लड्डू रखना तो भूल ही गए थे गाइस, इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी कि जो आज मेन है मकर संक्रांति लड्डू तो वो रखना ही भूल गए, हमने ऐसे ही खा लिया था उन्हें। तब तक के लिए